अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन परमानंदं सद्गुरु। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। गुरु महाराज की जय। शिवम। आज गीता के 17वें अध्याय का 7वां श्लोक ले रहे हैं। भगवान कहते हैं इसमें, आहारस्त्वपि सर्वस्व आहारस्त्वपि सर्वस्यः त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु। आहार तु अपि सर्वस्यः त्रिविधा भवति प्रियः यज्ञ तपः तथा दानं तेषां भेदम् इमं शृणु। और है अर्जुन, जैसे श्रद्धा तीन प्रकार की होती है, वैसे ही आहार यानी भोजन, अपि यानी भी, सर्वस्य यानी सबको, त्रिविधा यानी तीन प्रकार का, प्रिय यानी अच्छा लगता है, भवति यानी होता है, तू और तथा वैसे ही यज्ञ तप यानी तप दानम दान तेषाम उनके इदम इस पृथक पृथक भेदम यानी भेद को सुनो यानी सुन। हे अर्जुन, जैसे श्रद्धा तीन प्रकार की होती है, वैसे ही भोजन भी सबको तीन प्रकार का अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार प्रिय होता है, और वैसे ही यज्ञ तप और दान भी तीन प्रकार के होते हैं। इस प्रकार पृथक पृथक भेद को तू मुझसे सुन। ये सतगुरु सच्चिदानंद परमात्मा जो अनंत अनंत कोटि आकाश गंगाओं के और अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांडों के एकमात्र आधार अधिष्ठान है, वो अपने शिष्य अर्जुन के माध्यम से आप सब लोगों को बारीक बारीक बातें जीवन व्यवहार संबंधी बता रहे हैं। क्योंकि आहार जो होता है व्यक्ति के जीवन का मूल होता है। जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जैसी पियोगे वाणी जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। तो जो आहार और पानी है, आहार पानी भी आहार में ही आ जाता है, ये जीवन का एक मुख्य आधार है, क्योंकि ये अन्नमय कोश ये शरीर आहार से ही निर्मित होता है। आपके आहार पर बहुत कुछ निर्भर करता है कि आपका जीवन आपकी परमात्मा यात्रा किस तरह की हो। आपके आहार के बारे में भगवान आगे विस्तार से बताएंगे, लेकिन कुछ मूलभूत बातें ऐसी हैं कि आहार जो होता है उसके रूप अलग अलग होते हैं। एक तो होता है प्रसाद, जो किसी महापुरुष के स्पर्श और दया से और
महापुरुष के आश्रम में पवित्र भावना से दिव्यता पूर्वक बनाया जाता है, वो तो होता है प्रसाद। प्रसाद तो पवित्र होता है, प्रसाद तो उत्तम होता है, प्रसाद से तो परमात्मा की ओर अच्छी गति होती है। इसलिए अधिकतर लोग संत महात्माओं के आश्रम में बैठकर वहां जो भंडार में भोजन बनता है बस वही खाकर और साधना और ध्यान करते हैं। प्रसाद का मतलब होता है प्रसन्नता पूर्वक प्राप्त, एक विशेष प्रकार की दिव्यता, एक विशेष प्रकार का माधुर्य, एक विशेष प्रकार का आनंद इस प्रसाद में होता है। दूसरा होता है भोजन। आहार बड़ा व्यापक शब्द है। भोजन होता है जो कि जीवन जीने के लिए लिया जाता है। तीसरा होता है खाना। खाना ऐसा होता है जो भोजन तो जीवन जीने के लिए किया जाता है लेकिन खाना मौज मस्ती के लिए किया जाता है। उसमें ये नहीं देखा जाता कि आप क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, कब खा रहे हैं, किसका बनाया हुआ है। भोजन में ऐसा होता है कि भोजन कौन बना रहा है। अगर आपकी पत्नी, आपकी माँ अगर भोजन बनाते समय भगवान का अंदर अंदर स्मरण करके, भगवान से प्रार्थना करके भोजन इस प्रकार से बनाए और कहे कि हे प्रभु, जो मैं भोजन बना रही हूं, इस भोजन को करने वाले मेरे पति और मेरे बच्चे हमेशा स्वस्थ रहे, आनंदित रहे, सुखी रहे और आपकी तरफ बढ़े। तो इस प्रकार से जब शुद्ध भावना से भोजन बनाया जाता है तो मेरे देखे उसको भोजन कहते हैं, वो भोजन है। और जब इसमें भावना नहीं होती, प्रार्थना नहीं होती, पवित्रता नहीं होती, शुद्धता नहीं होती, प्रेम नहीं होता, और यदि किसी व्यक्ति ने भोजन को बनाते समय दुखी मन से, क्रोध से, काम से भोजन बनाया तो वो भोजन भोजन तो होगा लेकिन भोजन की जगह वो विष का काम करेगा। उसमें विष नहीं है लेकिन फिर भी वो विष का ही काम। इसलिए हम लोग खाना नहीं खाते हैं। संत तो प्रसाद ग्रहण करते हैं और भक्त जो होते हैं वो भोजन करते हैं, आहार करते हैं। आहार जो शब्द है उसकी व्यापकता बड़ी ज्यादा है। आहार में कई तरह के आहार होते हैं, फलाहार होता है, दुग्धाहार होता है, अन्न आहार होता है, एक अन्न आहार होता है, कई तरह के आहार होते हैं। वो साधना की विशेषता देखते हुए आहार का भी तय किया जाता है। आजकल तो न्यूट्रिशन डॉक्टर चल गए, वो तो साधना वाधना तो भाड़ में जाए, वो तो व्यक्ति की आवश्यकता कैलोरी वगैरह देख के आहार तय करते हैं। उनका तो आहार का चार्ट रहता है, न्यूट्रिशन चार्ट रहता है। ये सब अंधी दौड़ की चीजें यहां भगवान नहीं बताते, और खाना खाना भी भगवान नहीं बता रहे, क्योंकि खाना यानी उस शब्द से ही पता लगता है कि जो आएगा खा जाएंगे उसको। खाना जो है वो हमारी संस्कृति में नहीं है। हमारी संस्कृति में भोजन है, हमारी संस्कृति में प्रसाद है। तो भगवान कहते हैं अर्जुन, तू चिंता न कर, मैं तुझे सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी प्रकृति के जो लोग होते हैं उनका जो भोजन तीन प्रकार का होता है वो अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार भोजन का चयन करते हैं, भोज्य वस्तुओं का चयन करते हैं, भोज्य स्थानों का चयन करते हैं,
भोजन करने के तरीकों का चयन करते हैं। प्यारे मित्रों, मात्र भोजन का ही महत्व नहीं है, भोजन के स्थान का भी महत्व है। कितना भी अच्छा आप भोजन बना के ले जाएं और दूषित स्थान पर भोजन करें, या शमशान में बैठ के भोजन करें, किसी दुर्गंध युक्त स्थान पर भोजन करें, अथवा अत्यंत गर्म और अत्यंत ठंडे स्थान पर बैठ के भोजन करें, तो भोजन के स्थान का भी बड़ा महत्व है। आप स्वयं अनुभव कर लेंगे कि इसका क्या प्रभाव है। कहीं रुदन हो रहा है, रोना हो रहा है, कहीं बहुत शोर हो रहा है, वहां आप भोजन करें, या कहीं बहुत भीड़ है और बहुत भीड़ के बीच में आप भोजन कर रहे हैं, या बहुत सारे तमोगुणी रजोगुणी लोगों के बीच में आप भोजन कर रहे हैं, उसका प्रभाव भी आप देख लेना, आपको पता लग जाएगा। इसलिए भोजन का स्थान महत्वपूर्ण है, भोजन का समय महत्वपूर्ण है, भोजन अकेले में किया जा रहा है या कई लोगों के साथ किया जा रहा है वो महत्वपूर्ण है, और भोजन का पदार्थ तो महत्वपूर्ण है ही है। भगवान स्पष्ट रूप से अर्जुन को कह रहे हैं, अर्जुन जिसकी जैसी प्रकृति होती है वैसा ही उसको भोजन प्रिय होता है। ऐसे इन तीनों की तरह यज्ञ भी तीन प्रकार के होते हैं। एक यज्ञ ऐसा होता है जो सत्वगुणी होता है, एक यज्ञ ऐसा होता है जो रजोगुणी होता है, एक यज्ञ ऐसा होता है जो तमोगुणी होता है, और सतगुरु जो यज्ञ कराते हैं वो निर्गुणी होता है। ऐसे तप भी तीन प्रकार के होते हैं, कोई सतगुणी तप होता है, सतगुणी तप में व्यक्ति परमात्मा के प्रेम के लिए बहुत कुछ सहन करके भी कोई शिकवा शिकायत नहीं करता, कहता है तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, जो भी देना चाहे दे दे करतार, दुनिया के पालनहार। एक रजोगुणी तप होता है जो दूसरों को दिखाने के लिए किया जाता है, अहंकार के परितुष्टि के लिए किया जाता है, और दूसरों के अंदर अपनी बड़प्पन की धाक जमाने के लिए किया जाता है। एक तमोगुणी तप होता है जो तप अपने शरीर को तो भयंकर कष्ट देता ही देता है, लेकिन जो उसको देखता है वो भी बड़ा विवश तरीके से उसके रूप को देखकर, उसके प्रकार को देखकर उसको अरुचि सी होती है, उसको अशांति हो जाती है। दान भी तीन प्रकार का होता है, सत्वगुणी रजोगुणी और तमोगुणी दान। सत्वगुणी दान होता है वह परमात्मा के कार्य में जो लोग संत महात्मा मुनिजन ब्रह्म वेत्ता लगे हैं उनके लिए दिया जाता है, वो सत्वगुणी दान होता है। और जो दिखावे के लिए कुछ क्रियाकलाप, कुछ यज्ञ हवन, कुछ काम, कोई चंदा वंदा कुछ इस प्रकार से दिया जाता है, वो दान भी, वो दान जो है रजोगुणी होता है। और जो दान जबरदस्ती कोई व्यक्ति दबा के आपसे लेता है, आपको परेशान करके लेता है, आपसे जिद करके लेता है, वो दान तमोगुणी दान होता है। यह कबीर साहब का एक दोहा मुझे याद आता है, बे मांगे सो दूध बराबर सत्वगुणी, किसी से कुछ मत मांगो और वो प्रेम से देता है वो सत्वगुणी, बिन मांगे सो दूध बराबर मांग लिया सो पानी, कह कबीर वो खून बराबर जामे ऐसा तानी। किसी से मांग लिया आपने तो पानी हो गया, उसमें कोई मतलब नहीं है। और जिसमें किसी ने देने का ही मन नहीं है और जबरदस्ती तुम ले रहे हो, इतना तो देना ही पड़ेगा, इतने की रसीद तो फटवाना ही पड़ेगी, वो दान तमोगुणी दान है। वैसे दान तो वही अच्छा जो सतगुरु के चरणों में समर्पित करके ध्यान में जीवन लगाया जाता है, वो दान सबसे अच्छा होता है, वो निर्गुणी दान होता है।
इसलिए अर्जुन से भगवान कहते, अर्जुन तू सुन, मैं तुझे इन सारी चीजों के भेद अच्छी तरह से समझाऊंगा। मनुष्य की जैसी प्रकृति होती है, जैसे उसके आसपास का ताना बाना होता है, जैसे उसके जीवन के संस्कार होते हैं, जैसे उनकी अन्य जीवन से आए हुए प्रारब्ध और अचेतन में पड़े हुए वो कर्म होते हैं, तो वह उसी ढंग से कार्य करता है, उसी उसके प्रत्येक कार्य में उसकी प्रकृति झलकती है। उसकी वेशभूषा, उसकी वाणी, उसके शब्द, उसका आडंबर से बिल्कुल धोखा मत खा जाना, क्योंकि वेशभूषा बनाई जा सकती है, वाणी बोलने का अभ्यास किया जा सकता है। आजकल तो लोग टीवी पर बहुत प्रवचन देते हैं और वेशभूषा देखो आप तो बड़े उनके झांगे कपड़े, उसमें बड़ी नक्काशी हो रही है, बहुत बड़े हॉल में बैठे हैं, बड़े सिंहासन पर बैठे हैं, बार बार होठों पे हाथ रख रहे हैं, ठोड़ी पर हाथ रख रहे हैं, एक्शन कर रहे हैं, लोगों के मन को भा जाए ऐसी वाणी बोल रहे हैं, ऐसे शब्द बोल रहे हैं, उर्दू हिंदी संस्कृत अंग्रेजी में मिले जुली भाषा में, आडंबर इतना कि उनके नौकर, उनके चाकर, उनके सेवक, उनके साथी ऐसा एक वातावरण तैयार करते हैं जैसे ठग लोग सब मिलके कुछ योजना बना के किसी को ठगते हैं। ऐसे उनको उनके जब लोग झूठी झूठी बातें करके लोगों में ऐसा जमा देते हैं कि नहीं ये महात्मा तो बड़े त्रिकालदर्शी हैं, इनके आशीर्वाद से सारे काम हो जाएंगे, अगर मेरी बात सुनते हो समझते हो। प्रकृति के कोई काम आशीर्वाद से होते नहीं, ऐसे हो जाते तुम समझते हो आशीर्वाद से हो गया। सदगुरु तो केवल एक ही काम करता है, तुम्हारा तुम्हें आत्मज्ञान करा, ये चमत्कार करना, बच्चा दे देना, नौकरी लगा देना, कोर्ट केस जीता देना, दुकान चला देना, यदि कोई ऐसा आशीर्वाद दे रहा हो तो बस समझ लो कि वो सतगुरु नहीं है, वहां से भाग जाएगा। मैं बहुत ऊंची बात कह रहा हूं, तुम लोगों के लेवल से ज्यादा ऊंची बात है। तो आप प्रभावित मत हो जाना किसी की वाणी के, किसी के आडंबर से धोखा मत खा जाना। तिलक छाप माला साधु के कपड़े मीठी वाणी, बाहर से लगे सेवा के कार्य सत्कर्मों के कार्य साहित्यिक भाषा, और नाम भी बड़ा सुंदर परंतु अंधरी अंधर विस्फोटक वासना क्रोध धधक रहा है, बैर कूट कूट कर भरा है, ऊपर से निर्वेर दिख रहा है लेकिन अंदर से सब कुछ अंतःकरण में जीने वाला। इसलिए भगवान श्री कृष्ण तो अंदर की बात कर रहे हैं, और आप कैसे हैं कि आप ठीक से जानते नहीं भगवान की वाणी और बाहर से मतलब रखते हैं, आप बाहर ले जाते हैं, भगवान अंदर की बात कर रहे हैं। जब तुम अंदर से बदलोगे तो ही तो गीता का ये गीत तुम्हारे अंदर गूंजेगा, जब तुम अंदर से बदलोगे तभी तो तुम्हारे अंदर वासनाओं के क्रंदन का रुदन बंद होगा, नहीं तो ये पीछे छूटने वाला नहीं। ये वासना, ये कामना, ये अंतःकरण, ये मन, ये बुद्धि, ये चित्त, ये कोई तुम्हें पीछा छोड़ने वाले नहीं है। ये जितनी भी बात भगवान श्लोक के माध्यम से समझा रहे हैं, चाहे वो तप हो, चाहे वो दान हो, चाहे वो आहार हो, चाहे कुछ भी हो,
सब माया में जीने वाले लोगों के विषय में आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि आप इसको जान सकें और इससे हट सकें। मैं भगवान सतगुरु की विशेष अनुकंपा का बड़ा आभारी हूं जो मुझे गीता के प्रवचन देने के लिए भगवान ने चुना, और मैं आभारी उन लोगों का भी हूं जो नियमित रूप से मेरे प्रवचनों को सुनते हैं। मैं आभारी उन शिष्यों का भी हूं जो स्काइप पर आते हैं और मुझे प्रवचन देने में थोड़ा बहाव बनाने में अच्छा रहता है। मैं आभारी हूं आप लोगों का कि आप लोगों ने अपनी अंदर की योग्यता धीरे धीरे विकसित की और आप इस ब्रह्म ज्ञान के मार्ग साक्षी की साधना को सुनने के योग्य हुए, वरना इसकी चर्चा भी लोग समझ नहीं सकते, सुन नहीं सकते। इस साक्षी का ध्यान ऐसा ध्यान है जिसको बहुत विश्व में बहुत कम लोग ही कर पा रहे हैं, क्योंकि जानते नहीं। इस अत्यंत अमूल्य और अमृत तुल्य ध्यान को हमें पूरे विश्व में सर्व सामान्य को समझाना है, सर्व सामान्य को सुलभ करना है। भगवान चैतन्य महाप्रभु की मुझे याद आती है, उनके गुरु ने उनको एक मंत्र दिया, राम मंत्र। गुरु ने कहा यह मंत्र किसी को बताना नहीं। चैतन्य महाप्रभु ने पूछा क्यों, ये मंत्र बहुत कल्याणकारी है, इसको गोपनीय रखना, अपना कल्याण कर लेना। चैतन्य महाप्रभु बोले मैं तो सबको बताऊंगा, यदि ये कल्याणकारी है तो मैं सबका कल्याण करूंगा। वो जीवन भर नाचते रहे, गाते रहे, भगवान का स्मरण सबको कराते रहे, मस्त हो गए, आनंदित हो गए। ऐसी साक्षी का ध्यान है। मेरे गुरु ने मुझसे कहा था कि ये बड़ी गोपनीय विद्या है, ये कानों कान में कही जाती है, ये केवल जिज्ञासु को बताना, ये चुपचाप बताना, ये चुपचाप कान में कहना, ये ज्यादा किसी को प्रचार मत करना। मैंने कहा गुरुदेव, यदि अपन इस सत्य को सारे जगत के सामने उद्घाटित नहीं करेंगे तो मनुष्य भगवान के प्रेमी इन ढोंगी ढांगी लोगों से कैसे मुक्त होंगे। सत्य को उद्घाटित नहीं करेंगे तो फिर असत्य का ही बोलबाला होगा, जैसा हो रहा है जगत में। हीरा वास्तु के हीरा सामने नहीं रखेंगे तो नकली कांच के टुकड़े घिस घिस के लोग हीरे के दाम पर बेचेंगे। मैंने प्रभु मुझे आज्ञा, इस ज्ञान को मैं सर्व सामान्य तक सुलभ करूं, पहुंचा सकूं जो कंदरा गिरी कंदराओं में संत अपने दूसरे शिष्यों को गुपचाप देते थे, चुपचाप देते थे, उसको मैंने सार्वजनिक कर दिया। इस साक्षी का ध्यान हर किसी को पहले सिखाया नहीं जाता था, ये राज विद्या परम गुही हम अत्यंत गोपनीय था, इसको मुझे जन सामान्य तक इसलिए पहुंचाना है। पहली बात तो यह है कि धर्म के नाम पर जो अधर्म का विस्तार हो रहा है उसको कैसे रोका जाएगा। जहां परमात्मा है नहीं वहां परमात्मा को लोग ढूंढवा रहे, माया की उपासना कर रहे, भगवान का नाम ले रहे। दूसरी बात यह कि संसार इस विषाक्त वातावरण से बहुत परेशान है, बहुत तनावग्रस्त है। यदि इस जागरूकता, इस साक्षी के ध्यान को अगर मैं लोगों तक नहीं पहुंचा पाऊंगा तो मेरे जीवन में मैंने क्या किया। कोई प्याऊ लगाता है, कोई भोजन के लिए अन्न दान करता है, कोई वस्त्र दान करता है, कोई कन्या दान करता है, कितने कितने लोग दान करते हैं, लेकिन इस ज्ञान को दान करने वाला अभी पृथ्वी पर बहुत ही गिने चुने लोग हैं, शायद वो भी मेरे गुरु लोगों से सीख कर ही बाहर निकले। मैंने कहा भगवान
पुस्तक भी लिखी, पहली पुस्तक उनको बताई, उन्होंने मना किया, नहीं पुस्तक मत छपाओ। मैंने कहा नहीं भगवान, अगर ये पुस्तक नहीं छपाएंगे जो गीता के पहले अध्याय पर है, ये पहले श्लोक पर है, 144 पेज की पुस्तक, मैंने ये पुस्तक नहीं छपाएंगे तो लोग कैसे जानेंगे कि गीता में भगवान क्या कहना चाहते, सत्य क्या है, असत्य क्या है। तो पर संपूर्ण विश्व को, संपूर्ण मनुष्यता को हमें तनाव रहित यदि करना है तो उनके जीवन में हमें साक्षी का ध्यान करने की आदत डलवाना पड़ेगी, क्योंकि साक्षी से ही मनुष्य अपने मन के अंदर उठने वाले तनाव को देखकर उससे दूर हो रह सकता है। साक्षी से ही मनुष्य विचारों के प्रवाह से, जो बेमतलब के विचार हैं, जो काम के, क्रोध के, मोह के, जीव को अपने प्रभाव में खींच के कामी, भोगी, मोही बना देते हैं, क्रोधी बना देते हैं, अगर साक्षी का ध्यान करेगा व्यक्ति तो इनसे बच जाएगा। इसलिए मेडिटेशन बाय अवेयरनेस एंड वर्ल्ड पीस बाय मेडिटेशन, जागरूकता का ध्यान और विश्व शांति ध्यान के द्वारा, ये मेरे जीवन का उद्देश्य है। इसमें आप सब लोग भी जुड़े, ये मिशन है हमारा। हम तो जब तक जिएंगे तो करेंगे ही करेंगे। वो गाना सुना ही होगा तुमने, हम तो मुसाफिर हैं, हम इस गली से हम तो गुजर जाएंगे ही, लेकिन जो लगाया है, जो दाव हमने, वो जीत कर जाएंगे। हमने ये जीवन दाव पे लगाया, भगवान की सेवा में, मनुष्यता की सेवा में, हम तो ये करेंगे ही करेंगे, कोई हमारा साथ दे अथवा ना दे। लेकिन हम तो कहते जाते हैं कि अगर ये ध्यान कोई भी करेगा तो वो तनाव से होने वाली बीमारियों से मुक्त हो जाएगा, जैसे डायबिटीज है, एंजाइना है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट अटैक है, अंगों का फेल होना है। जो इस ध्यान को करेगा वो मानसिक बीमारियां जैसे डिप्रेशन, मेनिया, सिजोफ्रेनिया, इन सारी जो मानसिक बीमारी है, आत्महत्या करने की इच्छा भी है, उससे मुक्त हो, मानसिक रूप से स्वस्थ हो जाएगा, शारीरिक रूप से स्वस्थ हो जाएगा। तीसरा तल होता है संवेगात्मक तल होता है, भावना का तल होता है। कई बार आदमी भावना में बहकर गलत काम कर जाता है, किसी की धार्मिक पुस्तक कोई फाड़ दे, किसी की धार्मिक पुस्तक में कोई आग लगा दे, लोग इतने उत्तेजित हो जाते हैं, दंगे कर देते हैं, आगजनी कर देते हैं, किसी के पीर पैगंबर के बारे में कोई कुछ शब्द बोल दे, लोग इतने उत्तेजित हो जाते हैं, दंग कर देते हैं, आग लगा देते हैं, हजारों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है। ये क्या है? ये संवेगात्मक असंतुलन है। बात का जवाब बात से भी दिया जा सकता है, बात का जवाब लाज से देना ये ठीक नहीं। तो ये कम से कम अगर ये ध्यान जब ज्यादा लोग करेंगे तो वो संवेगात्मक असंतुलन का शिकार नहीं होंगे। क्रोध के अतिरेक, काम के अतिरेक, लोभ के अतिरेक, मोह के अतिरेक में आकर क्राइम नहीं करेंगे, मुझे नहीं लगता कि ये कोई कठिन काम है। इस ध्यान को सिखाना कोई कठिन काम नहीं, ये जाति धर्म संप्रदाय से निरपेक्ष ध्यान है। ये कोई हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, यहूदी, पारसी, सिख, जैन, इनका ध्यान नहीं, ये तो संपूर्ण मनुष्यता का ध्यान है। जैसे योग सबने स्वीकार करा, ऐसे ध्यान भी सबको स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि इस ध्यान से जागरूकता आती है। इस काम में मुझे आप सबकी मदद चाहिए, इस काम में मुझे आपका सहयोग चाहिए। एक अंतर्राष्ट्रीय ध्यान तो ध्यान केंद्र तो जल्दी से जल्दी चाहिए, जहां मैं ध्यान सिखा के लोगों को ध्यान शिक्षक बनाकर पूरे विश्व में भेज सकूं। इस अंतर्राष्ट्रीय ध्यान केंद्र के माध्यम से मैं बहुत सारे सतगुरु बनाना चाहता हूं, मैं सतगुरुओं की फैक्ट्री खोलना चाहता हूं, मुझे आपका सहयोग चाहिए। वरना ये दुनिया ऐसे लड़ लड़ के मर जाएगी, वरना ये दुनिया इतनी अशांत हो जाएगी, वरना लोग तलवार की नोक पर लोगों को धर्म में दीक्षित करेंगे, वरना
इस दुनिया से, दुनिया में रजोगुण और तमोगुण इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि आप कल्पना नहीं कर सकते। मेरे प्यारे मित्रों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मैं सब आप सबके परिवार के सदस्य के समान हूं। सारा संसार हमारा परिवार है, जैसे हम कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम। मैं सच्चाई और ईमानदारी से कहता हूं, मैं किसी धर्म विशेष का प्रचार नहीं कर रहा हूं। मैं मात्र उस सर्वव्याप्त परमात्मा के कार्य में लगा हूं जो आपके अंदर आपका जीवन होके धड़क रहा है। और अगर आपको मेरे ये प्रवचन पसंद आते हो तो आप यूट्यूब पे इनको सब्सक्राइब कर लें, डाउनलोड कर लें इनको, अपने सीडी बना लें इनकी, कैसेट बना लें इनकी, लोगों को सुनाए, खुद भी सुने। इस काम को जल्दी करना है, जीवन का क्या भरोसा है, कब तक ये सांस की डोर है, जब तक है तब तक तो हम करेंगे। आप सबके अंदर मौजूद परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूं। आप मेरे जीवन के अंग हैं, एक ही चेतना है अपनी, हम एक ही प्रेम का सागर में निमज्जित हैं, उसी परमात्मा के हम सब विभिन्न प्रकार के रूप हैं। मैं आप सबके अंदर उस परमात्मा को प्रणाम करता हूं, और बाहर भी परमात्मा है लेकिन जो अंदर है बस वही जाना जा सकता है। शुभ।